देखो जो सुत गोस्वामी ये छोटे जाति में जन्म लिए, जो रथ को चलाते हैं उनको सुत कहते हैं, छोटे जाति के नहीं। इसलिए देखेंगे कि संतोषदायक ऋषियों ने वो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, लेकिन एक साधारण कुल में जो जन्म हुआ उसको प्रश्न कर रहे हैं बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग प्रश्न करते हैं। इसमें शिक्षा है भगवान की भक्ति में कितना जात पात पूछना कोई हरि का भला सो हरि का, भगवान की भक्ति में जात पात का कोई नहीं। बताओ हनुमान की कौन सा जात का है बंदर? कोई बंदर अगर घर में घुस जाए ना बोले भैया अब उतरो ये जगह को साफ कर, लेकिन हनुमान को तो घर घर पर घुसा। बीबी साहब जब ही राक्षस कुल में जन्म हुआ, जब भगवान राम दरबार में बैठते हैं, भगवान राम विभीषण को बराबर आसन से कर बैठा, ठाकुर को बराबर आसन पर बैठते, लेकिन वो राक्षस कुल में जन्म हुआ। कहते श्री सुग्रीव ये भी बंदर जाति में जन्म लिए, प्रहलाद महाराज ये भी राक्षस कुल में जन्म लिए, लेकिन अभी प्रहलाद को हम घर घर में पूजा करते हैं। शिक्षा देते हैं भगवान भक्ति में जो भजन करता है वो बड़ा है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ब्राह्मणों के अंदर में बाहर होनी चाहिए तो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन हरे कृष्ण काम कर तुम्हें साथ हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जैसे ब्राह्मणों का बारह गुण युक्त ब्राह्मण, अगर किसी ब्राह्मण में कलि युग में तो एक गुण उतना प्रगति नहीं है, लेकिन कहते भले ही उसके अंदर में बारह से बारह गुण हो लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो भगवान के भजन नहीं करता है, तो सब बेकार बेकार। लेकिन ये भले एक चट्टान रूप में जन्म हो जैसे घोर चट्टान भगवान राम है, भले ही कोई चट्टान रूप में जन्म हुआ है लेकिन वो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ उसको माने जाते हैं। इसलिए किया मैंने हरे कृष्ण, इसलिए दिया मैंने कौन कितना प्रभु की भक्ति करता है इसको ऊपर निर्भर करता है, भले ही किसी जाति में क्यों जन्म नहीं हो। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सौनदात ऋषियों ने छह प्रश्न किए, छह प्रश्न का जो दूसरी प्रश्न थी कलियुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया। इसलिए श्री सुत गोस्वामी ने कहा कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी धरा उदर रूपा, कलियुग में ज्यादा कोई धर्म धर्म करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा प्राप्त कर करो और मुंह में ठाकुर की नाम को ही जप करो। ठीक है एक बार हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 चित्रगुप्त को बोलते हैं देखो उसका रजिस्टर से मतलब और ये डर नहीं आएगा क्यों ठाकुर नाम जप करना शुरू कर दिया। बोले दूसरा काम किया बोले राधा रानी छठ श्री राधा रानी अपना सहचर्य करके रजिस्टर में इसका नाम कर लिख दो, वहां का नाम कट जाती है जमपुरी का नाम कट जाती है, क्यों वो व्यक्ति प्रभु का नाम करना शुरू कर दिया, चुपचाप बैठा बैठा अपने बच्चे को बिट्टी बहुत पहले बैठे मुंह में हाथ लगा। अरे इसलिए एक तो उसको नाम कट जाते हैं, कहां से नरक से नाम कट जाते हैं,
और उसका रजिस्टर में नाम लिख देते हैं। बोले कहाँ पर? बोले गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी अपना सखियों को कहती है रजिस्टर में इसका नाम है, क्योंकि अभी वो वृंदावन ये भगवान के नाम में आएगा। बोले क्यों? बोले वह व्यक्ति जब भगवान का धाम में जाएगा सबसे लोग को पार करते 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 जाएगा, वो ब्रह्मा लोग को होते हुए जाएगा, ब्रह्मा लोग को आरती का फला सजा कर रखते ही वो व्यक्ति जब जाएगा उसका हम आरती करें, हम उसको आरती उतारते। क्यों? वो ठाकुर जी का नाम जप करता है। इतने महत्व प्रभु की नाम जब व्यक्ति जो करता है। और भगवान कपिल देव अपना बात कहते हैं, भैया जो व्यक्ति मेरी नाम जप करता है समझो वो पूर्व जन्म में चार काम को वो व्यक्ति करके आया है, तभी इसी जीवन में मेरी नाम को कोई जप करता है। बोले चार काम क्या है? बोले समझो उसने पूर्व जन्म में पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ पहुंच चुका है। दूसरा काम क्या? बोले जितने तपस्या पूर्व जन्म में सारे तपस्या वो कर चुका है। तीसरा काम बोले जितने दान पुण्य है ये पूर्व जन्म में सारे दान पुण्य कर चुका है। बोले चौथा काम किया बोले जितने तरह का यज्ञ है सारे यज्ञों को उसने कर चुका है, तभी इसी जीवन में मेरे नाम को वो व्यक्ति मेरे नाम को जान करता है। इसलिए आप देखना बहुत सारे लोग जगत में होते हैं बैठ करके सारा दुनिया गप्पे मारते रहेंगे, उसकी बेटी ऐसे कर रही है, उसकी बहू ऐसे कर रही है, उसको छोरा ऐसे कर रही है, उसको छोरी ऐसे कर रही है, सारा दुनिया की गप्पे मारते रहेंगे। लेकिन बोले तो भैया थोड़ा माला जप कर, ठाकुर का माला जप कर, मेरे नाम ये नहीं कर सकते। मतलब क्या है? बड़े पापी, वो बड़े पापी है। इसलिए बाल्मीकि का नाम सुने होंगे, जब नारद जी बोले भैया अगर राम का नाम ले एक बार राम बोलते, लेकिन उसका मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकला। बोले क्यों? तो बहुत पाप कर्म किया था ना। बोले तू तो बोलता था मारो 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 मरा मरा तो कर सकते हो। बोले हाँ मरा मरा तो कर सकता हूँ, इसलिए मरा 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 उल्टा नाम जब तक चले जाना बाल की नहीं प्रभु का समझो है। नाम ले तो प्रभु सिंधु सुनाई विचार कर सुमन अनुमानी। इसलिए दस रत्ना कर जैसे व्यक्ति जो राम का नाम तक भी नहीं ले पाएगा वो मरा मरा करते 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 दस रत्ना कर से काल नहीं पाएंगे। और प्रभु राम आने से पहले उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथों में लिख दिया। कैसे? केवल भगवान के नाम जप करना, केवल ठाकुर जी के नाम जप करना, ठीक है ना। इसलिए भगवान कहते हैं उठते बैठते सोते चलते हर समय क्या करो? नाम को जपा करो, ठीक है। बोले एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सबके सब बोलो कृष्णा भारत अद्भुता ऐसे जो भगवान है बोले जब जब किसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए और धर्म की हानि होने लगे को ब्राह्मण वेद साधु संतों को पर अत्याचार होने लग जाए मैं उसी उसी समय पर अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को भी रक्षा करता हूँ। इसलिए भागवत में भगवान की 36 अवतार की कथा है। भगवान सर्वप्रथम ये चतुष्षट रूप में ठाकुर जी ब्रह्मा जी जो मानस पुत्र श्री चतुष्षट रूप में आए। जब ब्रह्मा जी को भगवान आदित्य सृष्टि की क्रम पढ़ा, ब्रह्मा सबसे पहले चार बच्चों को उनने सृष्टि की अपना मन से,
सनक सनातन सनातन और सनत ये चार ही बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। बोले देखो भगवान का निर्देश है ये संसार का सृष्टि का द्रव्य है, लेकिन चतुर्सर ने कहा पिताजी ये संसार बड़ा दुख है, हम तो ये घर गृहस्थ में बसरा नहीं चाहते, इसलिए हम तो प्रभु के भजन करते हुए ये जीवन को मुक्ति मार्ग में ले जाना चाहते। ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान का आदेश है सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, सबसे पहले इनको मैंने सृष्टि की और यही चार बच्चे कह रहे हैं हम तो ये घर गृहस्थ में बसना नहीं चाहते। बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे ना? बोले नहीं। बोले ठीक है मैं भी अभिशाप देता हूँ, जैसे छोटे छोटे जन्मों में ना 5 साल की हर समय 5 साल की बनी रहे, कभी इससे बड़ी कभी नहीं बना, घर गृहस्थ नहीं करोगे ना? बच्चे बचेगा चतुर सब तो खुश हो गए। बोले क्यों? आप देखना घर का जितने समस्या बच्चों को बढ़ने उनसे बड़े हो, बच्चे तो मस्ती से खेलते रहते हैं, आज घर में चावल है कि नहीं, दाल है कि नहीं, नमक तेल है कि नहीं, बच्चों का कोई ध्यान नहीं, वो बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, सारे दायित्व किसको ऊपर है जो बड़े। बोले बड़े बने के तब तो संसार का दायित्व तो बोझ पड़ेगा, हर समय बच्चे रहेंगे और भगवान की भक्ति करते रहेंगे, इसलिए जिनका जो जीवन है बोले कृष्ण कथा पात्र हमारा जीवन कैसे रोटी है, इनका जीवन कैसे भगवान की कथा भी रहते हैं, अगर कोई कथा सुना सुनने के लिए कोई मिल गए कथा सुनाते रहे, अगर कोई कथा सुनने वाले नहीं, चार भाइयों में एक भाई तो व्यास गति पर बैठे और तीनों भाई सुनने के लिए बैठे, बस कथा भी दिन भर प्रभु की चिंतन प्रभु का कीर्तन प्रभु की कथा में ही डूबे रहते हैं, इसलिए दुनिया का किसी तरह का जो माया के प्रभाव कभी इनको ऊपर में पड़ता नहीं, मस्त रहते हैं। भगवान की जो दूसरा बता रहे ये बात, जिस समय ब्रह्मा जी ने आदेश दिया मनु महाराज जी को ये सृष्टि का क्रम का तो बड़ा, मनु महाराज ने पहले उनको बाम अंग से 70 रूपा और डान अंग से श्री मनु जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले सृष्टि का क्रम बड़ा, तब ये मनु महाराज से ये सृष्टि धीरे धीरे आया है, इसलिए इनकी 5 संतान एक स्त्री उत्थानका प्रिय दो बेटे और 3 बेटी जन्म दिया आकृति देवृति और प्रस्तुति, धीरे धीरे इसी से ही ये संसार का क्रम धीरे धीरे बढ़ते रहता है, इसलिए हम लोग श्री मनु महाराज से हम प्रकट हुए, इसलिए हमको कहते मानव, क्या कहते हमको मानव कहते हैं, जब मनु महाराज को बोले सृष्टि करने के लिए बोले भैया सृष्टि करूंगा कुछ हो तभी तो सृष्टि करूंगा, ये पृथ्वी पृथ्वी से कुछ है ये हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को रचना करने के लिए दिया, देखो ध्यान देकर सुनो, कहते शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए, बोले 4 काम क्या क्यों नहीं करनी चाहिए, कहते हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप राक्षस से कही इसकी कथा, कहते श्री कश्यप ऋषि के 2 पत्नी एक धीति और एक अति, एक तेरी दीति नहीं राजकुमारी है, एक तेरी सीसा के सामने खड़ी होकर के ठीक शाम का समय बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार किया, इतने सुंदर राजकुमारी वैसे और इतने सुंदर श्रृंगार की और सीसा में अपना परछाई को देख करके ना उसके हृदय में काम की वासना आई, वो शाम का समय था, तब उसने कश्यप ऋषि से मिलने के लिए गए, कश्यप ऋषि ने कहा देखो दीदी अभी ये शाम का समय है, शाम का समय में प्रति शंकर जी अपना जितने भूत पिशाच को लेकर मिलते इनको लेकर भ्रमण करते, अगर किसी समय अगर तुम मिलोगे अगर तुम्हारी गर्भ में बच्चा आएगा ना अच्छा बचा नहीं राक्षस बन गए, लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी वो जोर जबरदस्त कश्यप ऋषि से मिले, उसको बाद में कश्यप ने कहा देखो दीदी तुमने अच्छी काम तेरे गर्भ में अच्छी अच्छे बच्चे जन्म नहीं लेंगे राक्षस बच्चे जन्म राक्षस जन्म लेंगे, इसलिए देखना कभी कभी कोई कोई बच्चा तो खूब आदर्श बात करता है देखते खूब पिता माता का, लेकिन कोई कोई बच्चा देखना एकदम बात नहीं मानता बड़ा क्रोध होता है,
कोई बात नहीं मानता, बचपन से बड़ी बात करते भले इसे क्यों, बोले कारण ये दर्द का संस्कार है। इस समय में इसे पहले पहले जब कोई पहले जब गर्भ में संता गर्भाधान संस्कार जिसको कहते हैं, अगर समय तय करके अच्छे समय पर अगर गर्भ में बच्चे आएगा इतने गुणी इतने विद्वान इतने संस्कार करते हैं, लेकिन कोई कोई बड़े अपसंस्कार करते हैं, पिता माता को एकदम जीवन भर तंग करते रहते, क्यों ऐसे क्यों होता है, बोले कारण है वो गर्भ संस्कार बड़े गड़बड़ किए, इसलिए पहला काम नहीं करनी चाहिए। दूसरा काम क्या, पर उसी समय सोनी नहीं चाहिए, शाम का समय में जो सोएगा ना वो घर में दरिद्रता है, घर में कभी रुपया पैसा नहीं था, वो आने पर भी सारे खत्म हो जाए। तीसरा काम भोजन नहीं करनी चाहिए, अगर भोजन करोगे तो कद उसमें पेट का रोग होगा, उदर का रोग आएगा, और चौथा काम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। देखना कोई कोई बच्चा को देखना कभी घर में तो क्यों पढ़ता है, लेकिन जब पेपर देने जाता है ना सब भूल जाता है और कई लोग आ जाता है, मेरा कोई कोई बच्चे जैसे भी हो पर पढ़ाई का समय तो बदल रहा है, इसलिए शास्त्र ने बताया चार का भोजन करनी चाहिए। इसलिए इसलिए जन्म हुआ राक्षस होकर की जन्म हुआ और ये पृथ्वी पर रसात अलग लग गया था, तो ब्रह्मा जी छींके तो उनकी नासिका से मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ और दृत्य 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 उसने विशाल रूप धारण किया। ब्रह्मा अवतार है, बोले भगवान ब्रह्मा देव की पानी में छलांग लगाई, अब ये पृथ्वी को अपना दत्त का अग्रत में धारण करते हुए इन्होंने उनको धुरी पर स्थापन की। फिर तब श्री मनु महाराज ने दर्जे स्मृति नाम के राज्य को बैठाए, बड़े सृष्टि का प्रारंभ किया, ये भगवान की दूसरा अवतार है। बोले तीसरा अवतार, बोले भगवान श्री नारद के रूप में आते हैं, ये नारद की जगत गुरु, इनकी बगैर जीव को भक्त मिलना बड़ा कठिन है, यानी कि कृपा से ही जीवों को भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय श्री दक्ष प्रजापति ने जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, दक्ष प्रजापति ने पहले मन से सृष्टि हुआ करता था, उन्होंने 10,000 बच्चों को उन्हें सृष्टि और बोले नारद जी को बोले जाओ नारद जी के पास में सारे वेद पुराण उपनिषद को नारद के पास में पढ़ कर गया, इनका नाम ही नारद है। नारद मतलब क्या है, नर मतलब होता है आसक्ति, त मतलब होता है जो संसार का सारे आसक्ति को काटते हैं, नर मतलब होता है रस और त मतलब सबको जो रस दे, नर मतलब होता है ज्ञान, सबको जो ज्ञान प्रदान करे, नर नार नारद जो कभी रद्दी नहीं होता है, इसलिए इसके नारद जी की बहुत 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 नारद जी का मतलब है, इनकी कृपा के बगैर जीव को प्रभु की भक्ति प्रेम नहीं मिलती। अभी नारद जैसे गुरु जी अभी इनकी पढ़ाई खत्म हो गया, अभी ये बच्चे लोग जा रहे हैं अपना घर गृहस्थी करने के लिए, तब श्री नारद जी कहते देखो घर गृहस्थी करने जा रहे हो कुछ ज्ञान की बात लेकर के जाओ जिसको द्वारा तुम घर गृहस्थ सही रूप में करोगे। तब नारद जी उनको कुछ प्रश्न किया, ध्यान से सुनो, आपको भी मैं प्रश्न करता हूँ। इनका पहला प्रश्न है, बोले भैया बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई भी घुमाते चक्र अपने आप घूम रहा, बता सकते हो ऐसे कौन सा चक्र जिसको कोई भी नहीं घुमा रहे हैं वो चक्र अपने आप घूम रहे हैं। बोले गुरु जी बगैर घुमाए कोई चक्र थोड़ी घूमती है, बोले यही तो प्रश्न है, जो चक्र को कोई घुमा नहीं रहे हैं लेकिन वो चक्र अपने आप घूमते जा रहे हैं। बोले इस नारद जी ने कहा ये काल चक्र, ये जीवन का जो चक्र है, देखना हम जन्म हुए धीरे धीरे बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई किया, शादी शुदा हो गई, धीरे 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 आंख में कमजोरी आ गई, बाल अपना शुरू हो गया, कान में सुनना कम हो गई, धीरे धीरे चमड़ा ढीली पड़ गई,
पर ऐसे करते करते ताप कितना शुरू हो गया, राम नाम सत्य। ये चक्र को कोई घुमा रहे हैं? कोई नहीं घुमा रहे, ये चक्र हथियार घुमा रहे। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, पर सभी का जीवन का चक्र तो घूम रहे हैं, सबका चक्र घूम रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूम नहीं रहा। वो एक जगह पर खड़ा हुआ ध्यान केंद्र से बहुत अच्छी बात का प्रश्न किए। सबका जीवन का चक्र घूम रही है, सबके साथ हत्या देना। भैया लाला को कितने उम्र हो गया? बोले 10 साल का हो गया। बोले 10 साल के नहीं हो गए, तुम्हारी जो परमाई था ना उससे 10 साल कम हो गया। बोले आप कितने उम्र को हो? बोले 50 साल के हो। हाँ 50 साल के नहीं हुए, तुम्हारी परमाई 50 साल तुम्हारी कम हो गई, तुम्हारे 50 साल कम हो गए। हम कोई बड़े नहीं हो रहे, हम सबके सब छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन इनका प्रश्न ध्यान करो, कर सभी का परमाई को ये काल रूपी जो चक्र है, ये सूरज नहीं ये काल है, ये सभी की परमाई को ये काल नष्ट कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति का परमाई को ये काल नष्ट नहीं कर पाता है। बोले किसके परमाई पे? बोले तस्सरिते चमुखरम नीत उत्तमा श्लोक वार्तया। जिसके जीवन प्रभु की भक्ति में, प्रभु की कथा में, प्रभु की भजन में जो समय लगाते हैं, कितने समय सब जो उसको ऊपर में काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप बैठ के कथा सुन रहे, ठाकुर जी कथा सुन रहे, सभी का परमार्थ तो नष्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हारी परमार्थ नष्ट नहीं हो रही है। क्योंकि जो काल का जो काल है ना भगवान ठाकुर जी, और जो प्रभु का नाम जब करते हैं उसको ऊपर में काल का कोई भी प्रकोप, काल का कोई भी प्रभाव इनको ऊपर में बढ़ते नहीं। जो भगवान की भजन करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, ठीक है ना? देखो आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम कथा में आकर बैठ गए, तुम्हें पता ही नहीं ये कथा पता बोलना है क्या, तुमने अनजान में ये कथा में बैठ गए, इसका कितना फल देखो। बोले एक समय को एक फेरी वाला था, वो फेरी वाला रोज रोज फेरी का काम करते जाता था। एक दिन ये फेरी का काम करते करते गांव से बड़े दूर तक चला गया, और उसने गांव में पूछा, हरे कृष्ण इसलिए उसने कहा, पूछा भैया ये गांव में रुकने का कोई व्यवस्था है? बोले हाँ, यहाँ पर एक भागवत भवन जैसे मंदिर है, आप उसी मंदिर में रोक सकते हो। जब वो वहां पर विश्राम करने के लिए, वहां पर एक संत थे, भगवान